हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इग्नू ने डिजिटल डिग्री के लिए जो है लिंक है वो प्रोवाइड किया है, तो आपको ये जो लिंक दिख रहा है ignu.samrat.edu.in, इस पर क्लिक करना है। आप जब इग्नू की ऑफिशियल साइट पर जाएंगे, ठीक है, इग्नू लिखते हैं, सर्च करोगे आप गूगल पे, तो पहले लिंक पे आपको क्लिक करना है। जो उसका मेन पेज आएगा इग्नू का, वहीं पर आपको लिंक दिख जाएगा डिजिटल डिग्री वाला। तो कैसे कैसे प्रोसेस है आप देख सकते हैं। स्टेप वन में आपको किस पे करना है क्लिक, न्यू रजिस्ट्रेशन पे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप लोग क्लिक करेंगे तो उसके बाद क्या ओपन होगा, आपको अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, आपका नाम लिखना है, एनरोलमेंट नंबर और जो कैप्चा दे रखा है वो लिख के वहाँ पे सबमिट कर देना है। क्लियर हुआ। अब आते हैं स्टेप थ्री पे। तो उसके बाद आपके पास एक OTP आएगा, किस पे, जो भी आपकी ईमेल आईडी आपने रजिस्टर करा रखी है इग्नू में, तो उस पर OTP आएगा। उस OTP को आपको यहाँ पे फिल करना है और सबमिट कर देना है। देन स्टेप फोर क्या है, वो आपसे अपना पासवर्ड जो है वो क्रिएट करने का। तो इस तरीके का पासवर्ड क्रिएट करें जो आपको फ्यूचर में भी याद रहे, ठीक है। और आपका यूज़र नेम, तो आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो है सेट करना है, तो इसीलिए इस तरीके का रखें जो आपको भविष्य में भी याद रहे। और कहीं नोट कर लेना जो भी आप करें, लिखें, मतलब जो भी आप पासवर्ड और यूज़र नेम बनाएं। फिर आपको दोबारा से जाना है, ये सब आपका काम कंप्लीट है। फिर दोबारा से आपको इसी जो लिंक है इस पर क्लिक करना है, लिंक पे दोबारा से आप लॉगिन करोगे, ठीक है, जो जो आपका यूज़र नेम पासवर्ड आपने क्रिएट करा है। लॉगिन करने के बाद आपके पास आएगा क्लिक, आपको किस पे जाना है, माई सर्टिफिकेट पे, वहाँ आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपका है सर्टिफिकेट, भाई जो भी प्रोग्राम है उस पर क्लिक करके फिर आपको सर्टिफिकेट फिर ऑल सर्टिफिकेट पर जाके आपको यहाँ पे क्या करना है, उसको डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड करोगे, लास्ट स्टेप क्या है, आपको जो डाउनलोडेड होगा आपका जो PDF फाइल होगी वो किस में होगी, एडोब एक्रोबैट रीडर में। तो ये आपको एक्रोबैट रीडर जो है ये होना चाहिए, आपके मोबाइल है या जो भी आप लैपटॉप वगैरह में करोगे, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी जो डिग्री है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कर देना। थैंक यू।